सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, फिर से एक निकल आया है जर्नी के लिए। आज बहुत ही एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाएंगे आप लोगों को, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। बहुत सुंदर वाटरफॉल है, पहले कभी नहीं गया है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है उस वाटरफॉल में, तो अभी वहाँ पर जाएंगे। तो अभी हूँ मैं मेघालय का रास्ता में, जो ये शिलोंग जाता है ना, अभी नॉन्गपुर क्रॉस करके आया, और ये जगह का नाम है उमसनिंग। अभी मैं खड़ा हूँ उमसनिंग, और यहाँ पे देखिए एक नया पेट्रोल पम्प खुला है, ये वाला पेट्रोल पम्प नया खुला है। और उस साइड से गुवाहाटी है, और इस तरफ है शिलोंग। तो अभी शिलोंग साइड में जाएंगे, शिलोंग साइड से जाके फिर शरापुंजी की तरफ ही है एक, पहले मैंने नहीं गया उस वाटरफॉल में। और थंबनेल लग के आपको तो पता चल ही गया होगा कहाँ जा रहा है। वीडियो तो कंप्लीट देखिए, और मेरा चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कंटेंट आप लोग देखते रहेंगे, मतलब मिलता रहेगा आप लोगों को। अगर ऐसा कंटेंट देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अभी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अभी मोटर ब्लॉगिंग में जाएंगे, मोटर ब्लॉगिंग में दिखाएंगे कैसे कैसे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी भगवान का नाम लेके यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। अच्छी तरह से जाके आप लोगों को ये वीडियो दिखा सको। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए ना, कितना लंबा लंबा ये ग्रास है, ये देख रहे हैं कितना लंबा लंबा ग्रास है। और उस साइड में व्यू अच्छा है, इस ग्रास के वजह से वहाँ का व्यू नहीं दिख रहा है, नहीं तो उस साइड में व्यू बहुत सुंदर है। वो देखिए ना कितना ग्रीन ग्रीन, और ये रास्ता देखिए ना क्या मक्खन वाला रास्ता है। यहाँ पे मतलब बाइक राइड करके एकदम मजा है। ये देखिए ग्रीनरी, और आजकल क्या हो गया, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और इतना बारिश दे रहा है गुवाहाटी में, मेघालय में अभी जाके क्या होगा पता नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। सुबह मैंने ऑलमोस्ट 7 o'clock को स्टार्ट किया था बाइक, अभी यहाँ पे 8:30 हो गया। अभी आगे जाके बड़ा पानी मिलेगा उमियाम लेक, ये जहाँ पे जा रहे हैं ना, ये मतलब बहुत मैंने मतलब यूट्यूब में देखा तो मुझे बहुत मतलब ये जाने का मन किया है, एकदम शेरापुंजी जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली कहाँ पे है वो शेरापुंजी तो मैंने बहुत बार गया, लेकिन वो वाटरफॉल तो नहीं देखा। तो आज उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। ये तो पहुंच चुके हैं उमियाम लेक, अभी राइट जाना पड़ेगा, सीधा जाने से जुआई सिलचर उस तरफ का रास्ता है ये। और ये देखिए पहुंच गया है उमियाम लेक, बहुत ही खूबसूरत लेक है ये, बहुत बड़ा लेक है देखिए ना। आप लोग आ चुके हैं शायद बहुत लोग, व्यू कितना क्लास, इतना खूबसूरत हो रहा है ना व्यू। सुबह सुबह का टाइम, अभी ठंडा लग गया है एकदम, हैंड ग्लोव्स भी नहीं लाया आज, हैंड ग्लोव्स लेके आना चाहिए था, ठंडा लग गया हाथ में। पता नहीं, अभी देखते हैं आगे जाके शेरापुंजी जाता है, थोड़ा धूप निकलने से अच्छा था। तो अभी पहुंच चुके हैं ये बोनाबानी का व्यू पॉइंट, सब लोग देखिए फोटो खींच रहा है, सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है, सब फोटो लेने में बिजी। अभी मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रुक चुका है पहले, अभी यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, तो बहुत दूर जाना है,
गुवाहाटी से 164 किलोमीटर है, तो अभी तो 90 किलोमीटर जैसा मैंने आ गया, अभी 90 किलोमीटर जैसा, अभी और बहुत जाना है, और 70 किलोमीटर जैसा जाना है। लेकिन वो वाटरफॉल में एक क्या अच्छा बात है, उसको मतलब ट्रैकिंग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेघालय का हर वाटरफॉल देखने के लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है, और ये लेकिन रोड साइड में ही है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। पहले नहीं गया, अभी देखते हैं क्या करते हैं, मिलेगा कि नहीं, नो एक्सपीरियंस। तो शिलांग पहुंच गया है अभी ऑलमोस्ट, और बारिश भी शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो रेन गियर पहन लिया है अभी, बेकार में भीगने का कोई मतलब नहीं, इसलिए रेन गियर पहन लिया है। ठंडा भी लग रहा था, अभी रेन गियर पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, गर्माहट फील हो रहा है थोड़ा। और नीचे जो एक जैकेट पहना था वो तो पहना हुआ ही है, मतलब डबल पहन लिया है, अभी नीचे एक जैकेट है और ऊपर में रेन गियर है। अभी आराम से जाओ, बारिश जोर से नहीं देने से हो जाए अच्छा है, बस भगवान का नाम लेके जा रहा है। तो अभी शिलांग पहुंच चुका है, अभी लेफ्ट साइड में जाने से पुलिस बाजार शिलांग, मेन शिलांग मिलेगा, और अभी हम जाएंगे राइट साइड उस तरफ, चेरापुंजी डाउकी उस तरफ से जाता है, तो वो रास्ता से जाएगा। यहाँ पे एक ट्रैफिक पॉइंट है, ट्रैफिक पॉइंट है राइट साइड, ये देखिए ट्रैफिक पॉइंट। तो अभी मैं जा रहा हूँ राइट साइड, और लेफ्ट साइड जाने से पुलिस बाजार मिलता। और ये वाटरफॉल देखने के लिए आपको एकदम चेरापुंजी का एकदम लास्ट तक जाना पड़ेगा, नौकाली का फॉल्स वो सब क्रॉस करके जाना पड़ेगा, एक गोल जैसा है ना वो फुटबॉल, वो क्रॉस करके जाना पड़ेगा एकदम सीधा। तो चेरापुंजी तो पहुंच गए, देखिए रोड साइड में एक वाटरफॉल देखा, एक छोटा वाटरफॉल, ऐसा बहुत वाटरफॉल देखने को मिलेगा आज, बारिश भी दे रहा है। तो बहुत दूर आके ऐसे थोड़ा अच्छा व्यू देखा, तो थोड़ा यहाँ पे रुक गया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है वो, देखिए मेघ बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए थोड़ा रुक गया है, और नॉन स्टॉप बारिश दे रहा था, अभी थोड़ा बारिश रुका है, तो ये खूबसूरत व्यू देखा तो इसका शूट कर लिया इसको, अभी आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा है, नॉन स्टॉप बारिश, अभी भी बारिश दे ही रहे है थोड़ा थोड़ा, कैमरा खराब हो जाएगा। उस तरफ जाने से आपको ऐसा बहुत वाटरफॉल दिखेगा, ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, रास्ता में ही कहीं पे ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता है, ये सेम दिखता है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है, यहाँ से आगे और एक बड़ा वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल का नाम है चिल्ड्रन वाटरफॉल। জেগাত ৰখি থৈ কিনি মটৰ ব্লগিং কৰিব পৰা নাই, কাৰণ বহুত বৰষুণ, এতিয়া আপোনালোকক এটা ৱাটাৰফল দেখাই চাব, বিশাল ৱাটাৰফল, এনেকুৱা ৱাটাৰফল মই দেখাই নাছিলোঁ। तो ऐसे रोड साइड में ऐसे बहुत वाटरफॉल मिला, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन थोड़ा आगे है, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, अभी रास्ता में ऐसे बहुत वाटरफॉल मिला है, खूबसूरत है, इसलिए शूट कर लिया इसको भी, अच्छा एक्सपीरियंस है। माय गॉड, वो देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल, यहाँ से इतना दूर से इतना अच्छा दिख रहा है, अभी उसके एकदम क्लोज में जाएंगे, आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखते रहिए। तो यही है किंड्रेम वाटरफॉल, देखिए
अभी मैं यहाँ एकदम पहुँच चुका हूँ जगह में, किन्नरेम वाटरफॉल। ये बहुत बहुत विशाल वाटरफॉल है, मतलब बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और पानी देखिए ना कितना उड़ रहा है, ये क्रॉस करने से ये मिलता है, ये बहुत बड़ा वाटरफॉल।